अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादिया खान और आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर पर वाइटनिंग ब्लीच कैसे करते हैं, क्योंकि वाइटनिंग ब्लीच हम पार्लर से करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और उसके प्रोडक्ट्स भी वो आपको नहीं बताते हैं बिल्कुल भी, तो वो सीक्रेट होता है ना उनका, वो बताएंगे क्यों। तो मैं आपको बता रही हूँ आज ये हम करेंगे वेला की ब्लीच क्रीम, ये बहुत अच्छी होती है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये इसका पाउडर है और ये है इसका डिवेलपर शाइनर, मैं ये ब्लीच में यूज़ करूँगी और इसमें सूथिंग लोशन यूज़ करूँगी ब्लीच में, ठीक है। और लूँगी एक अदद वाइटनिंग कैप्सूल और मैं अपनी स्किन के हिसाब से बनाने वाली हूँ, तो मैं, हर बंदा अपनी स्किन के हिसाब से बना सकता है, तो मुझे जो है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ इतना सा पाउडर ले रही हूँ, थोड़ा सा, मतलब हाफ़ चम्मच के करीब मैंने इसमें पाउडर लिया है और हाफ़ चम्मच पाउडर है, तो मैं इसमें 2 चम्मच के करीब इसका डिवेलपर लूँगी, 2 चम्मच डिवेलपर हो गए, ठीक है। एक चम्मच हम लेंगे फेस शाइनर का, ठीक हो गया, इससे जो स्किन आपकी शाइन करने लग जाती है जब हम पार्लर में ब्लीच करवाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, एकदम से इंसान गोरा गोरा दिखता है। तो और मैं इसमें डाल रही हूँ सूथिंग लोशन, सूथिंग लोशन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। और एक अदद मैंने इसमें वाइटनिंग कैप्सूल का डाला है, ठीक है, ठीक हो गया। और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना हो, ठीक है। इससे ये देखिए मैं आपके सामने मिक्स कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करूँगी और अब मैं इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करूँगी आपके सामने ही, ठीक है। तो मैं ये स्किन पे अपने अप्लाई कर लेती हूँ, जितना मुझे चाहिए था उसके हिसाब से मैंने बना लिया है, तो मैं मोबाइल में ही देख के लगा लेती हूँ उसको अपनी स्किन पर। मुझे फोरहेड पे काफ़ी सारे ब्लैक बाल हैं तो मैं इसलिए इसको अपने फोरहेड को अच्छे से कवर कर दूँगी। मेरे ध्यान रखिएगा आपके आईब्रोज पे ना लग जाए। अच्छे से आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लें और अपने कपड़ों का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर कपड़ों पे गिर गए तो जाहिर है कपड़े ख़राब हो जाएंगे और मम्मा से बहुत डांट पड़ेगी। तो मैं अपने अपर लिप्स एक्चुअल में बनाती नहीं हूँ, तो मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से अपने अपर लिप्स को कवर कर लेती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी अपनी स्किन पर लगा लेना है। एक्चुअली मैंने इसमें पाउडर बहुत कम डाला था, आपको मैंने बताया कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मुझे बहुत जल्दी रैशेस हो जाते हैं स्किन पर, तो इसलिए मैं बहुत ही कम पाउडर यूज़ करती हूँ।
ऐसे ही आप अपने गर्दन पे भी अप्लाई कर लें, क्योंकि गर्दन भी आपकी बॉडी का हिस्सा है। बहुत से लोग सिर्फ फेस पर कर लेते हैं और अपनी गर्दन को छोड़ देते हैं, वो बेचारी मासूम सी गर्दन आपकी कालू सी रहती है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से कवर कर लें ताकि आपकी गर्दन भी बिल्कुल साफ़ हो जाए। जी, तो ये हो गया है और अब इसमें लगेंगे 10 to 15 minutes, तो मैं मिलती हूँ आपसे 15 मिनट्स के बाद। जी फ्रेंड्स, तो मुझे ऑलमोस्ट 10 to 15 minutes हो चुके हैं, आई थिंक 15 मिनट्स हो गए हैं, 15 मिनट्स हो चुके हैं और मेरी ब्लीच काफ़ी हद तक ड्राई हो गई है और मैंने इसलिए फ़ेस वॉश अलग से नहीं किया है, तो मैं आपके सामने ही अभी अपने फेस को क्लीन करके आपको दिखाऊंगी कि मेरा फेस अभी पहले कैसा लग रहा था और अभी कैसा लग रहा है आपके सामने ही। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ब्लीच अप्लाई करें तो अपने कानों पर भी ज़रूर ब्लीच लगा लीजिएगा, वरना आपके कान कालू से नज़र आएंगे अलग से ही। तो मैं शुरू से ही कानों पे ब्लीच नहीं लगाती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो इस वजह से मैं उसको अवॉइड करती हूँ, हमेशा कानों पे ब्लीच नहीं लगाती हूँ, लेकिन आप ज़रूर लगा लीजिएगा। तो मैं आपके सामने ही अपना ब्लीच साफ़ करके आपको दिखा देती हूँ। वाओ, देखिए कितना नीट, वाओ एंड क्लीन दिख रहा है। ठीक है, एक मरतबा ही आप ब्लीच करेंगे तो आप इतनी ज़बरदस्त से गोरू से हो जाएंगे और आप याद रखेंगे कि सादिया ने हमें एक अच्छी सी ब्लीच बताई थी। कितना ज़बरदस्त हो गया है, वाओ। पॉलर्स वाले आपको कभी भी अपना सीक्रेट नहीं बताएंगे कि वो क्या, क्योंकि आप जब भी पॉलर में ब्लीच करते हैं करवाते हैं तो आप एकदम से कितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, लेकिन वो अपना सीक्रेट आपको कभी नहीं बताते और आपके सामने भी वो ब्लीच कभी नहीं बनाते ताकि पता नहीं चल सके। अगर वो आपके सामने ब्लीच बनाना शुरू कर देंगे तो फिर तो उनका काम ख़राब हो जाएगा ना। तो ये देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट है, एकदम से नीट एंड क्लीन। ये देखिए मैंने अपने अपर लिप्स पे भी लगाया था क्योंकि मेरे अपर लिप्स पे बाल रहते हैं, तो मैं कभी भी थ्रेड यूज़ नहीं करती हूँ, वैक्स भी नहीं करती मैं अपने अपर लिप्स पे क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है, इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। तो आप चाहो तो ब्लीच करने के बाद आप जब फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद आप कोई मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ये हमेशा रोज़ वाटर लगाती हूँ, तो मुझे रोज़ वाटर ही पसंद है, तो इसलिए मैंने इस रोज़ वाटर को लगा लिया है। तो आप चाहो तो रोज़ वाटर लगा लो, चाहो तो कुछ भी आपकी मर्ज़ी है ना लगाएं, लेकिन ये ब्लीच देखें कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी चीज़ पे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अल्लाह हाफिज़ से पहले प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब अल्लाह हाफिज़।